आप बताइए कि पंजाब में जो युवा पीढ़ी है वो क्या सोच रही है और वो किस तरफ घूम रही है, क्या रुझान है आज की युवा पीढ़ी, क्या सोचती है कि किसको वोट देना है आज पंजाब के अंदर, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे? जी हाँ जी, इदा आप आने वाले चुनाव के यही देखते हैं कि पार्टी अपन ज़्यादा है ना करूँगी सुविधा, क्योंकि पाँच साल नहीं देखते होंगे कोई अभी साल नहीं आए जो तक अभी वोट इलेक्शन हुई हैं, पिछले एमसी इलेक्शन हुई है, कुछ भी सूँ मिले नहीं, ना अभी ना कोई आया ना कोई गया, इस करके अं नवी सरकार को मौका देवे, जिमें कि आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी ने मौका देवे कि सूँ वजिए कैंडीडेट दिता जाए, आम आदमी खुल के नाल चलेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, जिम्मे दिल्ली से होया वा उमें ही पंजाब किया जाए। मगर सुनने में ये भी आया है कि भी जो केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं वही चन्नी जी कर रहे हैं, वही और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, ये 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 ऐसा क्यों हो रहा है कि जो केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं वही दूसरी पार्टियां कह रही हैं जी हम भी ऐसा करेंगे? कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल जी, ना करके दिखा रहे हैं, वो बस कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल साहब कर रहे हैं, कॉपी करके वोट ले लो ऐसे जुड़ी हुआ, वो तो सभी देख रहे हैं। चन्नी साहब रह गए 2 महीने वास्ते, चन्नी साहब दो महीने रह गए, उन्हें 2 महीने करना तो है ही कौन को, बाकी अं सारे यही कह कि आने वाली वोटों के आम आदमी पार्टी को वोट पाओ, मौका दो सरकार को, असं भी गांह नवी सरकार देखिए जो दिल्ली विकास हों, बाकी केजरीवाल साहब भी इतने आए जो इलेक्शन बाद ठीक है सर, थैंक यू जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।